हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपके साथ फिर एक अलग तरह की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके बारे में मैं आज आप लोग के साथ एक स्किन केयर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं स्किन केयर के बारे में बताऊँगी। मतलब मैं अपने नॉलेज से, मुझे जितना पता है, मैं उसके बारे में आपको, आप लोग के साथ अपने थॉट शेयर करूँगी और आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो मैं आज जिस स्किन ट्रीटमेंट या स्किन केयर के बारे में आप लोग के साथ बात करना चाहती हूँ, वो स्किन केयर है, जैसे कि आप लोग को टाइटल से पता ही चल गया होगा, वो स्किन केयर है सीरम का। आज मैं आप लोगों के साथ सीरम्स के बारे में शेयर करूँगी, फेस सीरम्स। तो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि फेस सीरम क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है। फेस सीरम बेसिकली एक स्किन केयर ट्रीटमेंट होता है, जो कि हम अपने स्किन के लिए आजकल करना बहुत प्रेफर करते हैं। जिससे कि जैसे हमारी स्किन कभी कभी हमें बहुत डल दिखती है, कभी कभी हमारी स्किन पे बहुत पैचेस आ जाते हैं, कभी हमें लग रहा है कि हमारी स्किन बहुत फ्लेकी हो गई है, या कभी हमें बहुत ड्राई फील होती है, कभी कभी हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे स्किन रिएक्ट करती है। तो धीरे धीरे हमारी स्किन जो है वो अपना जो ओरिजिनल ग्लो है वो धीरे धीरे मिस करने लगती है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। हम मिस करते हैं कि हमारा ग्लो धीरे धीरे कम हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ में पिगमेंटेशन हो जाती है कई लोगों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको दूर करने के लिए और अपने स्किन को यंग और ग्लोइंग दिखाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, आजकल यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, उसे फेस सीरम कहा जाता है। तो फेस सीरम जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, तो आज मैं आप लोग के साथ तीन फेस सीरम शेयर करूँगी, जो कि दो अफोर्डेबल रेंज के हैं और एक थोड़ा हाई एंड है। तो जैसा अफोर्डेबल रेंज का भी है वो भी बहुत अच्छा, और हाई एंड रेंज है वो भी बहुत अच्छे। तो फेस सीरम जो है उसको तो हम क्यों लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब ये होता है कि फेस सीरम को हम कब लगाएं और कैसे लगाएं। तो जो फेस सीरम है वो डिपेंड करता है, जैसे आपकी स्किन बहुत ड्राई है, मतलब सबकी स्किन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप फेस सीरम को मॉर्निंग और नाइट दो बार लगा सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप नॉर्मल है, और या आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है बहुत और नॉर्मल स्किन टोन है आपका, स्किन टाइप है, तो आप फेस सीरम को सुबह मॉर्निंग में लगा लेंगे, वो आप लोग के लिए सफिशिएंट है। तो आपको कुछ नहीं करना रहता, मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करिए, फेस वॉश करके आके आप उसको जब पोंछ लेंगे, उसके बाद आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, टोनर यूज़ करिए। टोनर यूज़ करने के बाद आप अपना फेस सीरम लगा लीजिए। फेस सीरम लगा के अच्छे से उसको मसाज देके अपने पूरे फेस पे अंदर अच्छे तरीके से कर लीजिए। उसके बाद उसको सील करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, डे क्रीम लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अगर दिन के टाइम आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, इससे वो पूरा सील हो जाता है। और इसी तरह डिपेंड करता है नाइट में, अगर आप नाइट में भी यूज़ करें तो नाइट में इसको लगा कर, अगर आप और अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उसे नाइट क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा के सील कर दीजिए, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। और मॉर्निंग में आपकी स्किन धीरे धीरे, आप जिस तरह का सीरम यूज़ कर, हाँ तो मैं कह रही थी, आप जिस तरह का सीरम यूज़ करते हैं, क्योंकि सीरम भी हर टाइप के लिए, हर स्किन टाइप के लिए आते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जैसे किसी को पिगमेंटेशन है उसके लिए चाहिए, किसी को डल स्किन है, किसी को ग्लोई स्किन चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग अपने स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए आप वैसा सीरम ले सकते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये हो गया सीरम क्या होता है, मैंने पहले बताया। अब सीरम को कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने बताया। अब मैं आपके सामने कुछ सीरम शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने इधर बीच यूज़ किए हैं और जिनका इम्पैक्ट मुझे अच्छा दिखा पर्सनली। मतलब मैं पहले जो यूज़ करती थी, मैं बताऊँगी मैं स्टार्टिंग में कौन यूज़ करती थी, फिर कुछ नए आए तो मैंने देखा लोगों का, फिर मैंने वो भी यूज़ किया, तो वो मुझे कैसे लगे, मेरे स्किन के ऊपर कैसे उसका रिएक्शन हुआ वो मैं बताऊंगी। और यहाँ मैं बता देती हूँ कि जो मेरी स्किन टाइप है वो ड्राई स्किन टाइप है, मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है और सेंसिटिव स्किन है। मींस अगर मैं कुछ भी नया चीज़ यूज़ करती हूँ, जैसे कि कोई भी नई चीज़ अगर यूज़ कर रही हूँ, तो उसका स्किन, उसका इम्पैक्ट मेरे स्किन पे ज़रूरी नहीं कि बहुत ही अच्छा दिखा है। हो सकता है कभी कभी मुझे रेड पैचेस हो जाते हैं, कभी कुछ चीज़ सूट नहीं करती। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा है कि मैं अगर धूप में भी चली जाती हूँ तो मुझे उसमें भी रेड पैचेस हो जाते हैं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये है मेरा स्किन टाइप। अब मैं आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, अगर आपकी स्किन टाइप भी मेरे जैसी है तो आप भी वो प्रोडक्ट यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। और नॉर्मल स्किन टाइप के लिए भी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से इसमें एक से जो मैं यूज़ करती हूँ वो मोस्टली सब नॉर्मल स्किन टाइप के लिए भी हैं, बट उनका जो मुझे प्रॉब्लम है, जैसे मुझे पिगमेंटेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे पिगमेंटेशन के लिए चाहिए था, तो वो धीरे धीरे उसका असर उन सब चीज़ों पे भी होता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्किन टाइप के लिए तो वो पिगमेंटेशन पे असर नहीं करेगा या वो ग्लोइनेस नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें के लिए इम्पैक्ट करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले अफोर्डेबल रेंज के आपको दिखाती हूँ। तो जो सबसे पहले अफोर्डेबल रेंज का मेरे पास है वो है ये NYB का।
NYBA जैसे कि आप लोग जानते ही, अब पर्पल पर्पल पे आई है, न्यू लॉन्च नहीं, अब तो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उनका ये सीरम है। तो ये जो सीरम है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। NYBA का शाइनिंग शाइनिंग एज अ सिटकॉम स्टार फेस सीरम विथ सैल्सिलिक एसिड। तो ये जो फेस सीरम, तो जो ये सीरम होता है, ये सीरम जो है ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। इस सीरम को आप ऑल स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। ये सीरम मैंने भी यूज़ किया है, ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैंने इसे नहीं यूज़ किया। हाँ, मैंने इसे यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी हाफ बॉटल हो चुकी है, तो ये मैंने यूज़ किया है। और ये जो प्रोडक्ट है ये पैराबिन फ्री है, इसमें भी कोई भी पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, सल्फेट फ्री है, मीन्स इसमें कोई हार्श केमिकल या कुछ ऐसा नहीं यूज़ किया गया है जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे कि इसमें इसके नाम से पता चल रहा है, ये शाइनिंग देता है हमें, मीन्स इसका नाम ही है शाइनिंग स्टार, तो इट मीन्स ये आपको शाइनिंग देता है। इसको लगाने से अगर आपको ग्लो, आपकी स्किन डल है, आपके स्किन पे डलनेस है, आपको ब्लैक हेड चाहिए, आपको डीप पोर वगैरह की ये सब जो प्रॉब्लम होती है, एक्ने, आपकी एक्ने स्किन है, आपकी स्किन पे एक्ने होते हैं, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये सीरम आप लगाएंगे, इसकी आपको जिस तरह मैंने बताया उस तरह से आपको लगाएंगे। तो इसको लगाने में आपको धीरे 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 धीरे, मैंने क्योंकि इसको मैंने इसको मीन्स 2 to 3 month इसको यूज़ किया है, और 2 to 3 month के बाद, मतलब मेरे पास 2-3 सीरम है, तो मैं 2 to 3 month इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ये मेरी एक बॉटल ख़त्म हो चुकी है और दूसरी की ये मेरी हाफ बॉटल है, आप मतलब देख सकते हैं इसकी आधी है। एक बॉटल मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैं दूसरा यूज़ करती थी, फिर मैंने चेंज किया, तो इससे मुझे अच्छा इम्पैक्ट दिखा, तो फिर मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये है वो प्रोडक्ट। तो इससे आपको डलनेस इसकी आपके स्किन पे चली जाएगी। मतलब मैं इसको कभी, जैसे मुझे भी, मेरा छोटा बेबी है तो मैं रात में प्रॉपर सो नहीं पाती हूँ, तो मेरे स्किन के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे बहुत, मुझे अपना मतलब मुझे अपनी स्किन जो है बहुत रफ रफ से फील होने लगी थी, तो फिर उसके लिए मैंने ये लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को सिर्फ, जैसे कि आप कह सकते हैं आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, ऐसा नहीं है। आपकी स्किन के ऊपर जितना भी आप इसको डेली यूज़ करेंगे, तो आपके जो डेड सेल्स होते हैं, जितने भी आपकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स हैं, वो सब ये अंदर से ऐसे धीरे धीरे ऊपर से निकाल देगा, जिससे कि आपकी स्किन को एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा ग्लो मिलता है। तो उस हिसाब से ये सीरम बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। तो जो ये सीरम है ये ऐसे इस तरह के फॉर्मूला में आता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। इसको आप एक दो आप ड्रो ड्रॉप अपने स्किन पे लगाएंगे, और स्किन पे लगाने के बाद ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए ऐसे, इसको अपने स्किन को पहले आपको वॉश करना है। फेस वॉश करिएगा, आपका जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं फेस वॉश करिए, उसके बाद आप टोनर लेके या कोई भी रोज़ वाटर लेकर अपने स्किन को टोन कर लीजिए, उसके बाद ही आपको लगा सकते हैं। तो ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है एकदम, मतलब कि इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है। रात को आपको इसको लगाना है, इसको लगाने के बाद 2-3 ड्रॉप आप लगाइए, उसके बाद आप 2-3 ड्रॉप लगाने के बाद इसके ऊपर, अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपको नीड लग रही है रात में या दिन में जब भी, तो आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो ऐसा आपको उतनी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरी रिकमेंडेशन, तो NYBA का आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे स्किन तो सेंसिटिव है। अगर मुझे सूट किया तो मे बी अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या कोई अदर टाइप है, तो ये आपको भी सूट कर सकता है। तो ये अफोर्डेबल रेंज का है, और इसकी इसकी MRP 175 रुपीज़ है। और जैसे कि आप जानते हैं पर्पल पे हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलते रहते हैं, तो पर्पल पे ऑफर होंगे तो आप चेक कर सकते हैं। बाय द वे मैं जितना भी प्रोडक्ट्स अभी शो कर रही हूँ इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जिससे कि आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो जो नेक्स्ट सीरम मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो नेक्स्ट सीरम है गुड वाइब्स का, गुड वाइब्स प्लस विटामिन सी प्लस गोजी बेरी एंटी पिगमेंटेशन एंड रिंकल बैलेंसिंग सीरम। तो ये सीरम जो है ये गुड वाइब्स का है, ये भी अगेन अफोर्डेबल रेंज का सीरम है। तो इस सीरम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इसका इंग्रेडिएंट है गोजी बेरी, तो गोजी बेरी के बारे में जैसे मैंने सर्च किया था, तो गोजी बेरी जो है इट हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि जैसे कि आपके स्किन, जैसे मैंने बताया अगेन सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, तो अगर किसी को एंटी एजिंग है, मतलब जैसे कि किसी को फाइन लाइन्स आ रही है, या किसी को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रहा है, या एजिंग की लाइन्स हो रही हैं, या रिंकल्स आ रहे हैं, तो उन सब के लिए ये जो सीरम है ये सीरम बहुत अच्छा होता है। और ये सीरम जो, इस तरह के सीरम्स होते हैं जो एंटी एजिंग, और ये सीरम मोस्टली आपको नाइट टाइम में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि नाइट टाइम में उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वर्क करने के लिए, अच्छे तरीके से पूरी रात रहेगी, जिससे कि वो अपने स्किन पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो मोस्टली ये सब अगर आप रात में अप्लाई करेंगे तो नाइट टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट देंगे। तो जो ये सीरम है, इस सीरम के बारे में बता दूँ, इस सीरम के बारे में लिखा हुआ है कि द विटामिन सी इन द फॉर्मूला हेल्प प्रोड्यूस। ये जो होता है इसमें जितने भी फॉर्म, जो भी स्किन
सेकेंड द फॉर्मूला है, उससे ये आपका एंटी पिगमेंटेशन, इट मीन्स ये आपको जो पिगमेंटेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया मुझे पिगमेंटेशन हो गया है आफ्टर बेबी, मेरे मेरे स्किन पे भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो जो पिगमेंटेशन होता है ये आपके पिगमेंटेशन को बैलेंस करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और धीरे धीरे जो आपको रिंकल्स और फाइन लाइन्स आ रही हैं, क्योंकि इसमें गोजी बेरी है और वाइटामिन सी है जो कि इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके जो भी एजिंग के साइंस होते हैं, आपके जो डेड सेल्स होते हैं, जो आपके पिगमेंटेशन होते हैं, वो आपको धीरे 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 ये सब रिमूव करते हैं। बट अगेन, जैसे कि कोई भी चीज़ हो, ऐसा कोई मिरेकल या कोई ऐसा चमत्कार इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें वो सब जो भी सीरम्स होते हैं वो धीरे धीरे वर्क करते हैं, इसके लिए आपको धीरे धीरे उसको टाइम देना पड़ेगा। अगेन, आप इसको रू रू मतलब कि रोज़ डेली यूज़ करेंगी तो डेली डेली यूज़ करके आपको धीरे धीरे इसका असर खुद ही अपने फेस पर दिखने लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही मैंने यूज़ किया है, ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो भी नहीं है कि मैं प्रमोट करने के लिए इन ब्रांड्स का, क्योंकि मैं तो न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मुझे ही जैसे लगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बेबी हुआ तो मुझे पिगमेंटेशन की, और जैसे कि मुझे रात में जागना पड़ता था तो मेरी स्किन के नीचे डार्क सर्कल, आई के नीचे डार्क सर्कल हैं हो गए थे, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं अभी ये 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, अब 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे आपके सामने रिव्यू कर रही हूँ जो जो चीज़ें मैं यूज़ करके पर्सनल, मतलब जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है मैं उसका यूज़ बता रही हूँ। तो ये गुड वाइब्स का है, ये गुड वाइब्स का जो है ये आपको है एंटी एजिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, और जो मैंने इससे पहले दिखाया था ये आपकी स्किन को शाइन देता है, ग्लो देता है, इस तब के जैसे डल स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन पर बहुत फ्लेकी हो गई है, बहुत ऐसी मतलब जैसे बुझी बुझी सी लगती है, लगता है ऐसे कि बीमार से लग रहे हैं, सुबह उठ के ऐसा फेस लगता है, तो उसके लिए आपका NYBA का बहुत अच्छा है। तो ये दो है, और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस है 275 रुपीज़, ये 175 का है, ये 275 का है। तो ये जो है ये दोनों सीरम अच्छे हैं, इसकी क्वांटिटी 10 ml आपको मिल जाती है, और अगेन इसकी क्वांटिटी भी आई थिंक सो 10 ml ही के अकॉर्डिंग, हाँ ये 10 ml है, और ये सारे जो हैं ये पैराबिन फ्री और क्रुएल्टी फ्री है, सल्फेट फ्री है, मीन्स इसमें कुछ अभी ऐसा नहीं है जो कि जिसमें पैराबिन हो, जो आपके स्किन को हार्श हो या आपको ना सूट करे, ये ऑल स्किन टाइप को सूट कर सकता है, तो आप लोग इन दोनों चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो थोड़ा हाई एंड का है, तो जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ ये कामा आयुर्वेदा कुमकुमादि मिरेकुलस ब्यूटी फ्लूइड आयुर्वेदिक नाइट सीरम। तो ये जो सीरम है ये मैं इसके स्वेयर बाई हूँ, मतलब ये सीरम मुझे बहुत ही पसंद है, और ये मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मतलब 2 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए, ये मेरी थर्ड बॉटल है जो कि ये सीरम मैं यूज़ करती हूँ। अगेन ये हायर एंड का है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसको कितना इम्पैक्ट करता है, पर मुझे इसका बहुत ही अच्छा असर मिला, मैं ये यूज़ कर रही थी। तो ये जो होता है इसको, ये एकदम ये पूरा हर्ब बेस है, मतलब इसमें भी कोई भी केमिकल नहीं है, जैसे कोई भी कुछ नहीं, ये येलो टोन का है, देखिए ऑलमोस्ट मेरा फिनिश ही हो गया है, तो ये येलो टोन की, येलो टोन का होता है, तो ये आपके स्किन को रात में, नाइट सीरम है तो ऑब्वियसली आपको नाइट में लगाना है, और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि सिर्फ, जैसे इसमें कुमकुमादी है, इसमें हल्दी है, और जितने भी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सीरम है ये अगर आप किसी हर्बल सीरम की तरफ देख रहे हैं जो कि आयुर्वेदिक है, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इस सीरम को ट्राई कर सकते हैं। अगेन ये हाई एंड का है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे स्किन टाइप को बहुत सूट करा। कई लोग बोलते हैं कि इतना वर्थ नहीं करता है, उनके स्किन को नहीं सूट करता है, बट मुझे सूट किया, तो मैं आपको रिकमेंड, मैं अपने मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है, ये जिनका बेबी, जिनको रात में सोने नहीं मिलता, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उनकी स्किन उस वजह से डल हो रही है, ये हो रही है, तो उनके लिए मेरे, क्योंकि मुझे यूज़फुल है तो ये आपको भी यूज़फुल हो सकता है, तो इसलिए आप ये सीरम एक बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे कभी आपका मन हुआ पहले आप वो ट्राई करके देख लीजिए, अगर मन हुआ कि कुछ अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी स्किन है तो हम चाहते हैं हमारी स्किन पे अच्छे से अच्छा निखार आए, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कामा आयुर्वेदा का है, और इसकी प्राइस अराउंड, मैंने जब लिया था तो अराउंड 2200 थी, अब आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक चेक करके दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस कितनी है, क्या है, बढ़ी है घटी है, और पर्पल पे और अमेजोन पे तो इसमें सेल, अमेजोन का तो उतना सेल वगैरह आई थिंक नहीं होता, बट मैंने चेक किया शायद पर्पल पे इस पे सेल चलती रहती है, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ 150 कमों के मिल जाए, तो अभी क्योंकि सेल आ रही है तो ये भी
आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगेन ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं सब खुद से खरीद के, अपने अपने पैसे से खरीद के मैंने सारी चीज़ों के रिव्यू किया है, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा कि मेरे पास जितने सीरम है मैं सबके बारे में बता दूँ, मैं एक एक उनको क्या बताऊँ, तो मेरे पास जितने हैं मैंने उनके बारे में सारी की डिटेल उनको ऐसे बता दूँ, तो और लोगों को भी पता चल जाएगा और बाकी सबको भी अगर कोई क्वेरी होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी उनकी क्वेरी। तो और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, तो आप जब भी सीरम यूज़ करें या कोई भी नई चीज़ यूज़ करें तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर किया करिए। आप यहाँ कर सकते हैं, आप अपने कान के पीछे कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पैच टेस्ट करें, पर पैच टेस्ट करके आप यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर मतलब क्या आपके स्किन पे यूज़फुल है, कि आपको कुछ गलत इम्पैक्ट तो नहीं दिख रहा है। आप पैच टेस्ट करके वेट करिए 24 आवर्स का, अगर आपको कुछ दाने या कुछ ऐसा रेडनेस या कुछ दिख रहा है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं यूज़, अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ये सारे हर्बल हैं, ये सब क्रुएल्टी फ्री, सल्फेट फ्री हैं, और इनमें कोई भी ऐसे पैराबिन नहीं है जो कि आपकी स्किन को हार्मफुल हो आपके लिए। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी चीज़ अपने स्किन के लिए यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ। और ये जो भी है, ये जितने भी हैं, ये सब ऐसे करके एक ड्रॉपर टाइप के उसके साथ आते हैं, जैसे कि आपको 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप जैसे लगाना हो वैसे आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, और अगर आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए स्किन केयर को लेके तो आप मुझसे बता सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड आपके जितने भी मेरे पास जो भी सोल्यूशन होगा, जो प्रोडक्ट मेरे पास होगा उसका रिव्यू मैं आपके साथ कर सकती हूँ, जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी मुझे कैसे इफेक्ट करी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसी वीडियो धीरे धीरे और सारी आएंगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो से, टेक केयर, लव यू ऑल।